हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उदयपुर में मैंने कौन से होटल में स्टे किया एंड मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उदयपुर में जो होटल हमने बुक किया था उसका नाम था होटल अमेर हवेली एंड यहाँ पर हमें दोनों दिन अलग अलग रूम्स पर रहना पड़ा क्योंकि जो रूम हमने बुक किया था वो फर्स्ट डे हमें अवेलेबल नहीं था, जो कि हमें नेक्स्ट डे मिला। सो ये है हमारे फर्स्ट डे का रूम जो कि दिखने में काफ़ी ह्यूज था, काफ़ी स्पेशियस भी था एंड यहाँ पे एक ह्यूज सा बेड दिया हुआ है एंड ऊपर एक बड़ा सा झूमर भी लगा हुआ था। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट दिस वॉज नॉट अ लेक व्यू रूम, जबकि हमने लेक व्यू रूम के लिए पे किया था बट वो रूम उन्होंने हमें नेक्स्ट डे अवेलेबल करा दिया था। एंड सामने यहाँ पर कलर ग्लासेस लगे हुए थे तो मॉर्निंग में जब इस पर सनलाइट पड़ रही थी तो अंदर काफ़ी अच्छा कलर्ड रिफ्लेक्शन आ रहा था। एंड इसके सामने एक छोटा सा सीटिंग एरिया था जहाँ पे हमने अपना सामान रखा हुआ है एंड ये दरवाज़ा जाता है बाथरूम की तरफ, जिसके सामने यहाँ पर एक लकड़ी का कबर्ड है एंड एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ स्पेस बनाया हुआ है जहाँ पर हमने अपनी जैकेट्स रखी हुई है। मूविंग ऑन, ये है यहाँ का बाथरूम विच वॉज रियली ह्यूज एंड यहाँ पर दरवाज़ों के ऊपर काफ़ी सुंदर डिटेलिंग दी हुई थी एंड बाथरूम में यहाँ पे दो मिरर्स अवेलेबल हैं। ऑल्सो द बेसिन वॉज मेड ऑफ कॉपर एंड नाउ गोइंग बैक टू द बेडरूम। एंड ये हमारे रूम का एग्जिट है एंड आई थिंक दिस वॉज रूम नंबर 1 व्हेन यू एंटर द होटल एंड दिस इज द फेमस अमरे रेस्टोरेंट। यहाँ पे सामने ब्यूटीफुल लेक पिचोला है, साइड में जगदीश मंदिर एंड सामने लीला पैलेस। इट्स सो ब्यूटीफुल हेयर इन द इवनिंग एंड यहाँ पे आराम से बैठ के आप अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। So here we had our candlelight dinner and everything was really beautiful. So that's the view. And this is our next morning where we had our breakfast. The food here was fine. It wasn't that great. But jo view hai, that is amazing. Samne Lake Pichola ke paas hi kaafi log apni pre-wedding shoot bhi kar rahe the. Now let me take you to the second room of this hotel which was a lake view room and यहाँ पर खिड़की से मस्त lake पिचोला दिखता है जो कि morning में बहुत ज़्यादा calming effect देता है। Moving on, यहाँ पर भी एक बड़ा सा bed दिया हुआ है and the whole vibe is full traditional, so दीवारों पर and दरवाजों के ऊपर काफ़ी detailing मिलेगी। And यहाँ पर enter करते ही there is a space जहाँ पे you can keep your bags and सामने यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल था विच वॉज रियली ट्रेडिशनल एंड दिस इज द बाथरूम विच वॉज अगेन ह्यूज बट दिस इज स्मॉलर देन द प्रीवियस बाथरूम दैट आई शोड यू। बट इट वर्क्ड फाइन फॉर अस। And this is the exit from that room. And that's the view outside. The whole hotel is so beautiful. And this was the swimming pool just outside our room. तो अगर आप होटल अमेर हवेली आ रहे हैं तो आप ऐसा कुछ रूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।